Pricing strategy your goal shouldn't be to just pay your bills but to be paid what your worth kitna aapko milna chahiye samajhna zaruri hai always ask for budget before giving a price samne wale ka budget samjho aap hamesha we ki language mein baat karo try karo bundled price le sake अपने आप को salesman नहीं consultant बोलो. consultant की इज्जत बहुत होती है. don't lower the rate for the hope of future work कि भाई आगे बिजनेस देंगे आगे बिजनेस देंगे कम कर दो दैट्स नॉट द राइट वे अगर फ्री काम करना भी पड़े तो अच्छा टेस्टी मोनल मिले तो ही करें नहीं तो अवॉइड करें एक्सक्लूड रिविजन योर स्कोप कई बार कस्टमर कहते हैं यार ये अच्छा नहीं लगा चेंज 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 करो चेंज करो करो के लिए अलग स्कोप रखिए पांच से दस परसेंट हर छह महीने में, में पैसा बढ़ाइए जरूर पड़े लर्न टू से नो लिसन मोर देन यू टॉक बोलने से ज्यादा सुनिए समझिए सेल्समैन वही होता है बढ़िया जो 80 परसेंट सुनेगा 20 परसेंट बोलेगा डिसाइड शॉर्टर डेज एट हाइर रेट अगर पॉसिबल हो सके तो कम दिन में ज्यादा वैल्यू अगर आपको मिल जाएल्ड वर्क विद माइलस्टोन इतने माइलस्टोन पे इतना पैसा लूंगा इतने माइलस्टोन में इतना पैसा लूंगा देन ट्रैक योर टाइम यूज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग उनको वैल्यू क्रिएट करके देखाओं तो बात बनेगी नो हाउ मच यू विल चार्ज ये बड़ा जरूरी है आपके लिए क्या सही है प्लान और फीस स्ट्रक्चर पर आवर करोगे पर डे करोगे पर यूनिट करोगे प्रोजेक्ट कम्पटिशन फी लोगे मिनिमम अमाउंट लोग प्रॉफिट लोगे बहुत तरीके हैं फी स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करना भी आना चाहिए इसमें आपका बिलेबल टाइम कितना लगा अपने टाइम की एक कॉस्ट निर्धारित कर लो भाई मैं इतना रुपया पर घंटा या इतना रुपया पर डे में चार्ज करना चाहिए मुझको आप परचेज आपने कोई किया प्रोजेक्ट में तो उसकी कॉस्ट ऐड कर लो ओवर हेड एक्सपेंसिस किए उसकी कॉस्ट ऐड कर लो प्रॉफिट मार्जिन समझ लो उसकी ऐड कर लो मार्केट की कंसिडरेशन है कोई है, तो उसको ऐड कर लो अब प्रोडक्ट बनाने की क्या कॉस्ट है उसको ऐड कर लो उसके बाद फिर अपना फ़ी स्ट्रक्चर बताओ उनको अपना लोवेस्ट प्राइस भी डिसाइड कर लो डोंट गो बिलो दैट नो द बेंच फॉर रेट्स इन इंडस्ट्री दूसरे लोग क्या चार्ज कर रहे हैं कैलकुलेट एंड कम्युनिकेट दर्थ टू द क्लाइंट भाई मेरा वर्थ ये है वो भी समझाओ उनको घबराओ मत अगर कोई प्राइस फ्लक्चुएशंस होती हैं एक स्पेशल बजट भी अपना रखो फॉर चेंज ऑफ स्कोप इन वर्क जो मैंने आपको बताया था कॉग्स को पहचानो आपकी कॉस्टिंग क्या है ब्रेक डाउन करो डिसीजन मेकिंग यूनिट को कौन खरीद रहा है डिसाइडर कौन है उसके लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है कस्टमर के लिए मार्केट में वो किसके पास जा सकता है उसको भी पहचान के रखना जरूरी है आपके लाइफ साइकिल क्या है प्रोडक्ट का उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड करो अगर प्रोडक्ट एकदम नया नया है मार्केट में ज्यादा चार्ज कर लो अगर प्रोडक्ट बहुत पुराना हो चुका है तो ड्रॉप कर दो उसको बोलते हैं ड्रॉप द प्राइस एट लेटर स्टेज यानी कि आगे चल करके प्राइस को कम भी कर सकते हैं एक प्रोडेटरी प्राइसिंग भी एक तरीका है ये ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप कॉस्ट से भी कम चार्ज करना शुरू कर देते हो आप अंडर कटिंग करते हो जिससे आप कॉम्पिटिटर को उखाड़ करके एक अनफेयर मार्केट एडवांटेज लेके आते हो थोड़ा कभी कभी मुश्किल भी होता है सस्ते में माल बेचना सेलर सेट सेटअप प्राइस सो लो दैट अदर सप्लायर्स कैन नॉट कंपीट जैसे बाकी सबको आप ख़त्म कर देते हो फिर कंज्यूमर प्रोफाइल के हिसाब से भी प्राइसिंग कर सकते हो क्या आप अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट में जा रहे हो तो लो क्वालिटी हाई प्राइस पर ले सकते हो आप प्रीमियम uh, मार्केट में जा रहे हो तो बहुत हाई क्वालिटी बहुत हाई प्राइस पर ले सकते हो जैसे आपका लुई लुईवितन गुच्ची मर्सिडीज बी एम डब्ल्यू वर्साचे अगर आप हाई क्वालिटी लो प्राइस पर दे रहे हो तो रिलैक्सो मारुति सुजुकी या फिर चाइनीज़ मार्केट लो क्वालिटी लो प्राइस दोनों ही बहुत हल्का है